मंडी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या पाठशाला में रविवार को जेई की परीक्षा में उम्मीदवारों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों के लिए स्कूल प्रशासन द्वारा उचित प्रबंध किए गए थे। परीक्षार्थियों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े इसके बारे में सभी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। अधिक जानकारी देते हुए स्कूल के प्रधानाचार्य नरेश राणा ने बताया कि जहां एक और विद्यालय में छात्रवृत्ति परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें 300 के लगभग विद्यार्थी उम्मीदवार परीक्षा देने आने वाले थे, लेकिन इसमें से मात्र 162 उम्मीदवारों ने ही परीक्षा दी। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों के लिए उचित व्यवस्था का प्रावधान भी किया गया था। जेई इलेक्ट्रिकल में जो अलॉटेड स्ट्रेंथ है, जो हमारे को स्ट्रेंथ स्कूल के लिए दी गई थी, वो 300 के लगभग थी, और 300 में से जो प्रेजेंट कैंडिडेट्स है वो है 162 और एबसेंट जो है वो है 138। तो इनके बैठने की व्यवस्था के लिए भी हमने अपना सुपरवाइजरी स्टाफ नियुक्त किया हुआ है, जिसमें सेंटर सुपरिटेंडेंट, डेप्टीज हैं, इन्विजिलेटर्स हैं, और इनके परीक्षा के लिए अच्छी व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था की हुई है, बैठने की साफ सुथरी व्यवस्था की हुई है, सभी को डेस्क मुहैया कराए गए हैं, टाइम पे ये लोग अपनी सीट पे बैठे, सीटिंग प्लान हमने बाहर डिस्प्ले की हुई है। हमारे जो इन्विजिलेटर्स हैं वो किसी भी कोई दिक्कत जिस बच्चे की है वो उनको गाइड कर रहे हैं। और इसमें कुछ प्रॉब्लम जैसे बच्चों की थी, किसी के पास एडमिट कार्ड नहीं है, तो कमीशन की जो हमें डायरेक्शन थी, इंस्ट्रक्शन थी, उसके अनुसार हमने उनको अलाउड किया हुआ है ताकि उनको प्रोविजनली बैठने की अनुमति दी जाए। और प्रोविजनल जो एप्लीकेशन हमारे पास देंगे उसमें उनका एक फोटो भी लगा होगा ताकि हम उनको यहाँ बिठा सके और उनका रिकॉर्ड जो है वो कमीशन को भेज सके। तो ये 2 घंटे का पेपर है और 2 घंटे में ही इसको कम्प्लीट करके जो है हमने इसको समाप्त कर दिया।